हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमा फूड किचन। आज हमें तैरी कर देखा भेज राइस पकौड़ा। तो चलू देखे नवा जा आज के रेसिपी। सबार प्रथमे गैसर मध्य एक कड़ाई गरम करते बसिए दिए दिए दीची एक कप जल, आबारो दिए दीची हाफ कपर थे एकटू कम जल, दिए दिलाम स्वाद अनुजाई नून। जलटाके फोटा अब्दि अपेक्षा करते होबे। जल भालोभावे फुटे उठेछे, दिए दिलाम एक कप चालेर गुड़ी। चालेर गुड़ीटाके नाड़ाचाड़ा करते होबे ततक्षण अब्दि जतक्षण ना एकटा डोते परिणत होच्छे। देखुन एकटा डो तैरी होये गेछे। एबार एटाके ढाका दिए 5 मिनट मतन रेखे देबो। 5 मिनट पर एकटा मिक्सिंग बोलेर मध्ये नामिये निच्छी। नामिये नेवार पर दिए दिच्छी एक कप ग्रेटेड बाँधाकपि, दिए दिच्छी 3 टेबिल चामच मतन छोटो छोटो करे कुचोनो कैप्सिकाम, 2 टेबिल चामच मतन धने पाता कुचि, 2 काँचा लंका कुचि, हाफ टी स्पून मतन ग्रेटेड आदा, सामान्य एकटू नून, हाफ टी स्पून हलुद गुड़ो, हाफ टी स्पून धने गुड़ो, सामान्य एकटू गोटा जिरे, हाफ टी स्पून लाल लंकार गुड़ो, हाफ टी स्पून गरम मसला गुड़ो। अपनारा एछाड़ाओ आलादा कोनो सब्जी निते पारें, बायर मध्ये पियाजो एड करते पारें। आमी एटा सम्पूर्ण निरामिष तैरी करछी। एबार समस्त उपकरण भालोभावे मिशिए निते होबे। मिशिए नेवार पर दिए दिच्छी एकटा सिद्ध करे मेश करे नेवा आलू। एबार समस्त उपकरण हाथ दिए भालोभावे माखिए नेब। मिशिए नेवार पर एक चामच सादा तेल गरम करे दिए दिच्छी। गरम तेल दिले पकोड़ागुलो खूब मुचमुचे तैरी है। तेल दिए खूब भालोभावे मिशिए निच्छी। एबार हाथेर मध्ये अल्प एकटु तेल माखिए निएछि। निए एबार पकोड़ा शेप दिए दिते होबे। एइभावे छोटो छोटो करे बल तैरी करे नेब सबगुलो। देखुन सबगुलो तैरी करा होये गेछे। एबार एकटा गैसेर मध्ये कड़ाई गरम करे तार मध्ये एक कप सादा तेल गरम करे निएछि। तेल गरम होये गेले एकटा एकटा करे बल छेड़े दिच्छि। एकदिकटा भाजते दिते होबे जतक्षण ना कालार चेंज होच्छे। एकदिकेर कालार चेंज होये गेछे, एबार अपर दिके उल्टे दिच्छि। এইভাবে উল্টে পাল্টে লো আঁচে ভালোভাবে পকোড়াগুলোকে ভেজে নিতে হবে। দেখুন কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে তুলে একটা সার্ভিং প্লেটের মধ্যে নামিয়ে নিচ্ছি। গরম গরম পরিবেশন করুন টমেটো সস বা অন্য কোনো চাটনির সাথে। এটি খেতে দুর্দান্ত স্বাদ হয়। আজকের রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। সাথে আমার অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেওয়ার জন্য। আজ এই পর্যন্ত, আগামী দিন কোনো এক নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।